Om um Shanti a very warm welcome to everyone and a hearty welcome to those who have come here for the first time can those who came here for the first time raise their hands fanny okay how did you come to know about the sunday talk last last function okay so thank you for coming so this is a regular series of brahma kumari shanti sarovar every Sunday evening from 6.30 to 8 pm, we have this talk. There are lot of, lots of input, not only to develop, to progress our personal life, but it is professional, emotional and mental level. How can we cultivate ourselves in a very positive and peaceful manner? Shanti Sarovar, our premises is the biggest retreat center in South India and here many workshops seminars and meditation camps are conducted regularly now coming back to our topic any guesses what is today's topic about women's day so we recently celebrated women's day right so today's topic is also related to that the topic is happy women happy family and today's speaker is an esteemed and distinguished faculty at Brahma Kumaris. So let us welcome on stage Brahma Kumari's sister Lakshmi Behan. Can we have a round of applause for Sister? <laughs> sister Lakshmi is a senior Raj Yoga teacher and a motivational speaker. She has been practicing meditation for more than 25 years and giving dedicated service. इन ब्रह्मा कुमारी शी इज ऑल्सो ब्रह्मा कुमारी वुमेन स्विंग्स सब जोन कोऑर्डिनेटर सो लेट एस ऑल हियर फ्रॉम सिस्टर सम इन साइड्स ऑन हाउ हैप्पी वुमेन इज इक्वल एंड टू हैप्पी फैमिली ओवर टू यूर सिस्टर ओम शांति आज का जो टॉपिक है हैप्पी वुमेन हैप्पी फैमिली बट एक विचित्र बात है आज ज़्यादा वुमेन्स नहीं है <laughs> देखिए आप पीछे देखिए एक दूसरे को देखिए <laughs> आज ज़्यादा कौन है <laughs> भाई लोग मौजूद है तो ये भी बहुत अच्छा गुड साइन है ना अदरवाइज़ लोग क्या सोचते हैं बस ये वुमेन्स का प्रोग्राम है ही जाएंगे टॉपिक कुछ भी हो लेकिन हैप्पी वुमेन मना हैप्पी फैमिली भी है फैमिली में हर किसी की मौजूद मौजूदगी ज़रूरी होती है है ना वैसे तभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे आठ तारीख को मनाए हैं तो इस साल में ये टॉपिक ले आ गया था इसलिए हमने कहा कि चलो अभी यही से हम करेंगे तो हैप्पी वुमेन्स वुमेंस डे जो मना रहे हैं तो क्या हम एक ही दिन वुमेंस डे मनाना है एक ही दिन है वुमेन्स डे हर दिन तो हमारा वुमेन्स डे है है ना क्योंकि हर घर में हर दिन वोमेन्स की तो माताओं की महिलाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आवश्यकता होती है वैसे तो वुमेन के अंदर तो मैन भी है हुँ? आप ये मत सोचना कि बस बहन जी हमेशा माताओं के बारे में बहनों के बारे में बात करते नहीं उसमें आप भी हैं और फैमिली भी है है ना पे फैमिली भी है तो फैमिली में सभी की मौजूदगी चाहिए तो आज का जो टॉपिक है हैप्पी वुमेन हैप्पी फैमिली क्योंकि आप सब जानते हैं अभी भारत माता बोलते हैं भारत देश को क्या कहा जाता है विश्व गुरु बनने वाला है क्योंकि पूरे विश्व में तो यहाँ के जो कल्चर है यहाँ की जो संस्कृति है यही सभी को लास्ट में यही आगे बढ़ने वाला है हम देखते हैं अभी फॉरेनर्स भी इंडिया की जो कल्चर है इसको पसंद करते हैं क्योंकि ये सनातन है ना बहुत पुराना है क्योंकि भारत माना ये आज का नहीं है सृष्टि जब से शुरू हुआ है तब से भारत देश है तो जो इंडियन कल्चर के हिसाब से भी हम देखेंगे तो माताओं की तो आगे ही रखा गया है हमेशा माताओं की वंदना की जाती है इसलिए कहते हैं नार्यस्तु नारियस्तु तत्र रमन्ते देवता तो कन्याओं की पूजा की जाती है कोई नेशन कोई कंट्री में ऐसा कन्याओं की पूजा करते <coughs> केवल भारत देश में ही होते हैं भारत देश में ही करते हैं क्योंकि हम जानते हैं माता के बिना तो हम आगे नहीं जा सकते लेकिन आजकल जो माताओं में जो खुशी होनी चाहिए या लटर से हम जनरली हम बात करेंगे किसी के अंदर क्योंकि फैमिली की खुशी हम सबकी खुशी में मौजूद है लेने के लिए तो हम नाम वोमेंस का लिया है लेकिन उसमें सभी का ज़रूरी है एज ए फैमिली फैमिली में सभी को खुश रहना ज़रूरी है तो क्या हम सचमुच में खुश हैं आज माताओं का टॉपिक है तो मैंने क्या कहेंगे सचमुच में जो आप जो भी हाउस होल्ड काम करते हैं या बाल बच्चों को देखभाल करते या कोई जॉब भी करते हुए है ना प्रोफेशनली और पर्सनल लाइफ भी बैलेंस करते हैं तो सचमुच में हम हैप्पी हैं हम जो कार्य कर रहे हैं क्या समझते डू यू फीलिंग हैप्पी ऑलवेज ऑलडेज एक दिन तो ठीक है फिर भी ठीक है हम हैप्पी हैं लेकिन कभी कभी नहीं होते ना huh? क्यों नहीं होते कभी सोचे कभी सोचे? कब कब अनहैप्पी आपको लगता है हम माता जी बताइए जी तेलुगु चप्पन पर्वे अर्थम हो अदे एपड़ू कबाप अनहैपी रहते सिचुएशन के हिसाब से वो कौन से सिचुएशन जो आपको अनहैप्पी कर देता है भाई भी बता सकते ऐसा नहीं कि मैं माताओं को पूछ रही हूँ ऐसा नहीं है बहनों को पूछ रहे आपके पुराने संस्कार या दूसरों के पुराने संस्कार किसके पुराने संस्कार कभी कभी हो जाता है हुँ? तो हम क्या कहते हैं जैसे सुबह से शाम तक हम बहुत सेवा करते हैं बहुत सबकी हम सब देखभाल करते हैं सबके लिए सब कुछ करते हैं बट एंड ऑफ द डे हम देखेंगे अपने आप को क्या महसूस करते है? हम बहुत टाइड है yeah. बना ऐसा नहीं कि आप खुश हैं खुश हैं नहीं आप खुश हैं है ना खुशी नहीं है ऐसे नहीं क्योंकि आप खुशी खुशी सबके लिए सब कुछ करते हैं लेकिन हम क्या करते हैं जो डूइंग में चला जाते हैं ना जितना ये किया वो किया वो भी किया ये भी किया लेकिन किस प्रकार से किए किस भावना से मैंने किया ये बहुत ज़रूरी होता है मायने रखता है लटस से मैं अपनी ही बात करती हूँ जैसे हम भी कई बार बहुत बिजी रहते आज सुबह में एक प्रोग्राम किया शाम को और एक प्रोग्राम किया हा? और फिर बहुत सारी जगह पर हम गए बहुत सारे लोगों से मिले और जिससे भी मिलते हैं वो सब बहुत खुश भी होते हैं क्योंकि उनको जो टॉपिक चाहिए जो चीज़ चाहिए वो हमसे मिल जाता है तो बहुत खुश हो जाते बहन जी आज बहुत अच्छा बताया ये है वो है बहुत अच्छा लगता है हमको भी खुशी मिलती है चलो हमने जो सेवा की हा? उसका दो रिजल्ट तो कुछ तो किसी को खुशी दे पाए और आगे चल कर के हम जहाँ पर भी रहते जिसके साथ भी रहते या कोई से अगर मानो मैं किसी से एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो भी मुझे बोले हा? चलो आज बहुत अच्छा आपने भाषण किया बहुत अच्छा किया आपने बहुत अच्छा बोला अगर वो नहीं कहेंगे तो क्या होता हमारी खुशी कायम रहती कभी कब, कब ऐसा होता है ना जैसे घर के माहौल में आप बहुत प्यार से अपनी बच्चों के लिए अपनी हस्बैंड के लिए बहुत प्यार से जो उनके पसंद का जो चीज़ है हा? बहुत मेहनत करके आप किचन में गर्मी में बनाया लेकिन वो किसी और मूड में अलग से दुन में खाया बस बस कुछ भी बोला नहीं अच्छा है बुरा है कुछ बताया नहीं बस ऐसे चले गए क्या होता हाल हमारा दिन भर क्या सोचते रहते सोचते नहीं सोचते सोचते ना न इतना मेहनत किया मैंने इनके लिए इतना प्यार से बनाया सुबह से लगी रहे मैं किचन में इतनी गर्मी में फिर भी देखो एक बात नहीं बोला अच्छा है अगर आप पूछोगे ना आगे से जा कर के कैसा था अच्छा बना हाँ ठीक ठीक है अच्छा अच्छा है बोलते चले गए फिर कुछ आपको अप्रिशिएशन नहीं मिला तो फिर क्या होता आपका हालत हुँ? तो आप क्या समझते ज़रूरी है अप्रिशिएशन हाँ जरूरी है ये मैं नहीं कहती हूँ कि मैंने मेहनत किया है मैंने किया है काम किया है तो अप्रिशिएशन ज़रूरत है ज़रूरी है लेकिन एप्रिसिएशन के हिसाब से मुझे खुशी मिलती है हुँ? अगर कोई कहते कि आप बहुत अच्छा भाषण करते हो बहुत अच्छा खाना बनाते हो तब मैं बहुत खुश होती हूँ अगर किसी ने मुझे नोटिस नहीं किया किसी ने कुछ बोला नहीं तो फिर मेरी खुशी गायब तो ये क्या होगा आप खुश रह सकते हैं हमेशा कितना भी आप करो अब आप किसी को दिखाने के लिए किसी के अप्रिशिएशन के लिए करते या अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करते ना सोचने की बात है अपने आप सोचने की बात ऐसे में भले आज माताओं का मैंने नाम ले रही हूँ वुमेन्स का नाम ले रही हूँ लेकिन भाइयों में भी एक्सपेक्टेशंस तो होते हैं ना क्योंकि कोई भी आप वर्क इतना अच्छे से करते हो ऑफिस का भी काम बहुत अच्छा किया है आपने बहुत मेहनत किया अगर आपके बॉस ने एक अच्छी बात नहीं बोली या वेल्डन कुछ भी नहीं बोला तो आपको लगेगा ना कोर्स हम ह्यूमन बीइंग्स हैं है ना कभी न कभी तो संकल्प चलता ही है नहीं चला ऐसा नहीं लेकिन किसी चीज़ से हमारी खुशी कायम रहती है किसी चीज़ में डिपेंडेड है हमारी खुशी ये क्या होता है टेम्पररी होता है है ना क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है हो सकते हैं उनका मूड ख़राब हो या उनका और कोई टेंशन हो कुछ भी हो लेकिन हम क्या करते हैं सारा दिन बस वही चिंतन वही मंथन वही चीज़ का हम पकड़ करके और ऐसे कभी कभी बच्चों के लिए भी क्या करते हैं हम माताएं है, क्या करते उनकी पसंद का ही चीज़ बना दे। अगर वो नहीं खाते हाँ गुस्सा आ जाता है है ना? और क्या बोलते खाओ क्यों नहीं खाओ खाओगे कि नहीं खाओगे है ना? क्योंकि मूड है ना, डिपेंडेड है ना उनका आज मुझे आइसक्रीम पसंद है ये ज़रूरी नहीं कि कल भी मुझे आइसक्रीम पसंद ही होगा मैं कल भी वो ही है ना कल उनका मूड अलग होगा है ना वो कुछ और चाहेगा लेकिन हम किस मूड में चलते अरे उनको तो पसंद था ना इसलिए मैंने बनाया आपने बनाया तो कोई जरूरी नहीं है कि बस सबको भी पसंद आए माना कहने का भावार्थ ये है कि ऐसा नहीं कि आप उनके पसंद की चीजें मत बनाओ ऐसा भी नहीं बनाओ लेकिन खाए तो ठीक है नहीं खाए तो भी ठीक है मना अपना मूड खराब करके कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमारे पास ना ब्रह्म कुमारी इसमें यहाँ जो डिस्कोर्सेस चलती है, है? काफ़ी लोगों को तो पता होगा तो रोज़ रेगुलर जो डिस्कोर्सेस चलते उसमें भी यहाँ पर कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं है? खुराक समझते ना मेडिसिन है जैसे आप डॉक्टर्स के पास भी जाओगे कोई भी बीमारी हो कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो वो लोग क्या कहते आप खुश रहा करो कैंसर से कैंसर जैसी बीमारी को भी हम जीत सकते हैं जब इंसान खुश रहेगा तब अगर चेहरे पे खुशी नहीं है हुँ? तो क्या होगा कितना भी हो हमारे पास वो हम कुछ नहीं कर कर पाते है ना खुशी हमको ऐसे ही मिलता है और इस जीवन का तो हमारा उद्देश्य ही क्या है खुश रहना आप कोई भी काम करते हो कहीं पे भी जाते हो कितना भी अचीवमेंट्स प्राप्त करने की कोशिश करते हो अल्टीमेट आपका गोल क्या है आपका लक्ष्य क्या है आप परिवार वालों के लिए कुछ भी बनाया कहीं पिकनिक भी लेके गए कुछ भी किया कुछ भी करते हो अल्टीमेट लास्ट में आपको खुशी ही चाहिए और जो खुशी जिसके लिए आप करते हो वो आपको मिल ही नहीं रहा है हुँ? वो आपको मिल ही नहीं रहा है फिर क्या होगा ना आजकल हम देखते ना अभी जैसे वर्ल्ड मेडिकल हेल्थ वाले यही कहते हैं कि 92 टू परसेंटेज साइको साइकोसोमैटिक डिसीजेस क्या टेंशन रिलेटेड और स्ट्रेस रिलेटेड आप सब भी जानते हैं कि आजकल दुनिया में टेंशन स्ट्रेस की रेट्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं है ना रिहै सेंटर्स बढ़ते जा रहे क्यों क्यों बढ़ते जा रहे क्योंकि खुशी नहीं है जो चीज हम चाहते हैं जिस चीज के लिए हम प्रयास करते उसमें खुशी नहीं है इंसान कितना भी करे फिर अपने आप को देखेगा तो खालीपन महसूस होता है क्यों क्यों खुशी नहीं होती है, है ना क्योंकि जो हम करते हैं दिल से सोचने की बात है ऐसे ना आप मन से दिल से नहीं करते कोई काम ऐसा भी नहीं लेकिन फिर भी आपको खुशी क्यों नहीं मिलती कभी सोचा और ख़ास करके माताओं अब अगर खुश नहीं रहेगी माताओं के अंदर खुशी नहीं रहेगी तो परिवार में क्या होगा हा? आप सब तो जानते ही हैं इसलिए कहते हैं ना हा? उनको तो हमेशा खुश रखना चाहिए और जैसे हमारे जो देवी देवताओं का भी देखो आल मिनिस्ट्रीज माताओं के पास है जैसे सिक्योरिटी सिक्योरिटी भी इनका क्या बताते माँ दुर्गा को कहा जाता है है ना दुर्गुण हारिणी दुर्गा देवी को कहा जाता है ऐसे फाइनेंशियल किसके पास है फाइनेंश्म भले नारायण कमाता होगा है ना? लेकिन नाम तो किसको दिया जाता है धन की देवी लक्ष्मी को कहा जाता है है ना? और ब्रह्मा के हाथ में बहुत सारे शास्त्र वगैरह दिखाते होंगे लेकिन विद्या देवी एजुकेशन मिनिस्ट्री सरस्वती को दी जाती है है ना? सब चीजें हमारे पास है सब कुछ हमारे पास है, है? फिर भी क्यों क्यों हमारी खुशी नहीं है हमको क्यों खुशी नहीं मिलती है क्यों हमारी खुशी गायब होती है कभी सोचा हुँ? कभी सोचा अभी नहीं सोचते क्योंकि अभी बच्चे छोटे होंगे बस उनको पालना है बड़ा करना है उनका स्कूल है टिफ़िन करना ये वो सब इतने इतने बिजी रहते इतने बिजी रहते कुछ सोचने का भी टाइम नहीं मिलता जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है जाप करने लगता है या कहीं आपको छोड़ के चला जाता है तब आपका सोच चलता है कि अरे मैंने क्या किया लाइफ में है कि नहीं है ना क्योंकि यहाँ आल एज ग्रुप्स सभी है क्या समझते हैं तब सोचते कह रहे मैंने अपने लिए तो कुछ किया नहीं है ना तो जैसे फैमिली में हम भी तो एक इंसान है ना हमारा भी तो एक अस्तित्व है हमसे तो फैमिली बनते है ना अगर हम ठीक नहीं रहेंगे तो फिर दूसरे दूसरों को कैसे हम ठीक कर पाते है, है ना कहते हैं ना माता गुरु के बिगैर तो गति सदगति नहीं और आजकल दुनिया में क्या कहते नारी ही नरक का द्वार है हा? लेकिन यहाँ पर तो भगवान कहते नारी स्वर्ग का द्वार खोलेगी इसलिए नारियों को यहाँ पर आगे रखा जाता है क्योंकि नेचुरल वे में ऐसा नहीं भाइयों में नहीं है लेकिन नेचुरल वे में माताओं कन्याओं में वो स्त्रीत्व में बहुत सहन शक्ति है रहम की भावना है देखो माँ बहुत जल्दी किसी को माफ कर सकती है है ना बच्चा कितनी भी गलतियां करे आकर के सॉरी मम्मी बोले बस है ना पिघल जाते हैं थोड़ा बहुत बात कर लिए पिघल जाती है तो हमारे अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं लेकिन उसको क्या करना है हमें और भी शार्पनिंग करना है कैसे शार्प कर सकते आपके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं उसको और बढ़ाना है तो क्या करेंगे क्या कर सकते हुँ? क्या कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं आपके अंदर की शक्तियों को और बढ़ाने का मेथड क्या है जैसे क्या जैसे आपके पास कोई ट्रेजर है आपके पास थोड़ा बहुत पैसे है उसको और थोड़ा बढ़ाना है तो क्या किया जाता है हुँ? एक पेटी में बंद करके ऐसा होता है ना बहुत वैल्यूबल चीज़ होगा आजकल क्या करते लॉकर सिस्टम है लॉकर में रख करके सोच सोच करके खुश हो जाते ना आपके पास बहुत अच्छा नकलिस है लेकिन अभी तो पहन नहीं सकते क्योंकि चोरों का डर लगता है है ना कभी गुम ना हो जाए कभी कुछ ना हो जाए इसलिए कई लोग क्या करते लॉकर में सेफ्टी के जगह रख लेते लेकिन एक कॉन्शियस में रहते हैं ना मेरे पास वो है वो नकली से है मेरे पास वो सोच सोच करके खुश हो जाते होते कि नहीं है ना मेरे पास इतने गहने हैं मेरे पास ये सब चीजें हैं और सोच के खुश होने में पहने के बाद खुश होने में फर्क है हा? किस में फर्क है क्या अच्छा लगता है सोच के खुश होने में अच्छा लगता है हा? यूज़ करने में वो तो लॉकर में है हा? लेकिन वो जब चीज़ आप पहनते हो उसमें और खुशी मिलती है है ना ऐसे मेरे पास ये भी है वो भी है वो भी है सब कुछ है हुँ? लेकिन उसको फिर जितना आप यूज़ करोगे उतना और बढ़ता जाएगा है ना अगर यूज़ ही नहीं करोगे तो फिर क्या होगा आपके पास कार है बंगला है कुछ भी है आप बिना यूज़ ऐसे छोड़ देंगे थोड़े दिन के बाद खराब हो जाएगा है ना ऐसे आपकी जो अपनी चीज़ है खुशी हमारी चीज़ है है कि कोई खुश रहेंगे आप देख करके बहुत अच्छा लगता है है ना कोई सैड वाला फेस चेहरा लेकर के आएगा आपके पास अच्छा लगता है नहीं ना खुशी वाला चेहरा हमको बहुत पसंद आता है हाँ हो सकता है कभी कब कभी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि कोई कोई हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते ऐसा भी होता है हाँ? मैं आपको एक रियल इंस्टेंट बताती हूँ जो हमारी दादी जी है अभी नहीं है जो जानकी दादी आप सभी ने सुना होगा तो दादी जी एक बार की बात कहते हैं कि एक माता थी पहले दादी जी पूना में रहते थे तो पूना में अभी हमारा भी कभी रूटीन में क्या होता है ना कभी कब -कभ हम भी सब्ज़ी मंडी जाते जो भी चीज़ जरूरी है तो फिर समय के हिसाब से हम भी लेके आते सब काम करते थे तो उस समय की थोड़ा पहले की बात थी कि दादी जब पुणे में रहते थे तो कभी कभी सब्जी चाहिए रहता तो सब्ज़ी मंडी जा कर के सब्जी खरीद के भी आते थे तो जब भी दादी सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जाते थे एक माता से जरूर उनको टकराव होता था माना ऐसे सामने से जाना आगे से जाना से होता था और वो माता दादी तो आप जानते हैं दादी तो कितना हर्षित मुख है दादी तो कितना सरल है कितना शुभचिंतक है पॉजिटिव वाइब्स ही आते हैं ना दादी से फिर भी वो माता कभी भी दादी से क्रॉस करती थी तो बहुत चिड़चिड़ा मुँह रगाती थी और उधर से दादी आती तो इधर से ऐसे करके चली जाती थी तो दादी ने एक दो बार तीसरी बार नोटिस किया रे ये बहन को क्या प्रॉब्लम है मुझसे क्या हो गया इनको जैसे मुझे देखते ही ये आगे चली जाती है ऐसा मुँह करके चली जाती क्या प्रॉब्लम है हा? मैंने कुछ किया क्या ठीक है कभी मिले तो बात कर लेंगे सोचते थे फिर एक बार क्या होता उनके जो मना क्लास में आने वाला एक भाई अपने घर में दादी जी को कभी कोई प्रोग्राम के लिए बुलाए तो दादी जैसे वो घर के पास पहुँचे दरवाज़ा खोले तो क्या देखा अंदर वो ही माता थी हुँ, जिन माता से जिस माता से वो थोड़ा क्लास होता था ना दादी को कुछ भी नहीं है लेकिन वो माता दादी को देख कर चिड़ जाती थी तो सोचा अरे माता जी मिल गई बहुत अच्छा क्योंकि वो जो भाई है ना जो क्लास में आने वाले भाई की वो युगल थी वाइफ थी तो उनके घर में दादी जी को बुलाया गया था तो दादी को बहुत खुशी हुई कि चलो आज तो मैं क्लियर कर लूँ क्या हिसाब है क्या चल रहा है इनके मन में क्या है मेरे प्रति आज तो मैं क्लियर कर देती हूँ क्योंकि उनके घर में आई हूँ तो मौका देख करके दादी ने पूछा बहन जी मुझसे कुछ गलती हो गई क्या हाँ मैंने कुछ कहा क्या कभी हम मिले क्या क्या हो गया आप क्यों मुझे देखते ही ऐसे क्यों चले जाते हो तो बहन पहले कुछ बोली नहीं फिर बाद में बोली कि आपसे मुझे कुछ भी नहीं है आपने मुझे कुछ कहा नहीं है मुझे मिले नहीं कुछ भी नहीं लेकिन मुझे ना आप हमेशा खुश रहते हो आपकी खुशी वाला चेहरा देख करके मुझे बहुत चिड़ मचती है हा? आप हमेशा कैसे खुश रहते हो यह सोच करके मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है हा? इस वजह से मैं आपसे दूर चली जाती हूं ये प्रॉब्लम है अब बताओ क्या करें हम्म होगा ना आपके लाइफ में वैसे कोई कोई तो मिलते ही होंगे आप हमेशा खुश रहो आप ऐसे जाहिर करो तो फिर उनको थोड़ा ये लगता है लेकिन इसका मतलब क्या है कि चलो वो लोग मेरी खुशी में बहुत दुखी हो रहे इसलिए मैं भी थोड़ा उदास रहने लगूँ जरूरी है नहीं ना, नहीं ना। तो ऐसे भी होते हैं लोग क्योंकि देखने वालों का अलग अलग तरीके हैं है ना परसेप्शन अलग अलग है ऐसे कोई कोई कहते कोई देख करके के हमको कहते क्या बहन जी आपका लाइफ क्या है इतना त्याग कुछ पहनते नहीं कुछ भी नहीं कितना सिंपल पूरा वाइट ड्रेस क्या है लाइफ बाहर देखो कितना अच्छा ये वो सब कोई कहते आपका कितना अच्छा भाग्य है कितने आप खुशहाल हो कितना आप भाग्यवान हो जो भगवान की सेवा में अपे समर्पित हो तो देखो एक ही है ना हम तो जैसे कि वैसे किसी को हमारा भाग्य दिखता है किसी को हमारा त्याग दिखता है लेकिन जितना त्याग उतना भाग्य माता ने भी त्याग करते ना अगर बच्चा बीमार है कभी किसी को घर में कुछ भी हो जाता है रातों रात क्या करते नहीं त्याग करते अपना कुछ देखते नहीं है ना उनके पीछे लगे रहते वो लोग जब तक ठीक नहीं होते तब तक बस उन्हीं के बारे में सोचते रहते लेकिन वो मजबूरी नहीं समझते है ना और बहुत बड़ा एहसान भी हम समझते नहीं है हम समझते हमारा फर्ज है हमारा ये कर्तव्य है और उसमें माताएं बहुत खुश भी होते है। हैं माता ही नहीं भाई भी कभी किसी के लिए भी कुछ भी करते तो कितना खुश होते ना जबरदस्ती ऐसा करते नहीं ना खुश होते हैं तैसे होता है कई लोगों से हमको अपोजिशन में आता है कभी कुछ भी होता है लेकिन खुशी हमारी चीज है है ना क्या हमारी है क्या पराई है ये भी समझने की अकल चाहिए किसको अडाप्ट करना है किसको छोड़ना है इस चीज का भी हमें ज्ञान होना जरूरी है अब जैसे मार्केट में जाओगे सुपर मार्केट में जाओगे कहीं पे भी जाओगे बहुत सारी चीज़ें पड़े हुए रहते वहाँ पर हर कोई चीज़ आप उठा के लाएंगे हुँ? घर पर अगर कोई कहेगा एक खरीदो दूसरा फ्री है और वो आपको जरूरी नहीं है आपके काम की चीज़ नहीं है लेकिन फिर भी चलो फ्री में तो मिल रहा है ना ले लेंगे क्या हुँ? फ्री में मिले तो भी क्या करना है हमारी ज़रूरत नहीं आवश्यकता नहीं है उस चीज़ की तो हम क्यों खरीदेंगे क्या बोलेंगे अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है भले भाई बाद में देखेंगे आगे आ जाएंगे ना आगे ऐसे लाइफ में भी मुझे क्या चाहिए हु? कभी सोचा आपको खुशी क्यों नहीं मिलती क्योंकि मेरे कहने से तो आप कोई भी बोलने वाले नहीं कि आप खुश हो या नहीं हो कोई आंसर नहीं मिलने वाला मुझे हाँ या बताएंगे सब खुश है आर यू हैप्पी अच्छा यस बट नॉट सदा नहीं तो क्यों नहीं सोचा कभी और माताएं क्या कहेंगे आप खुश हो अपने घर परिवार से जो भी आपको मिला है रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे खुश हो हैं यस हंड्रेड परसेंट नॉट एवरी टाइम कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता है मोस्टली कब नहीं होता है खुशी कब नहीं मिलती जो बोलते वो नहीं करते है ना, जो हम चाहते हैं वो नहीं होता है तो खुशी गायब हो जाती है है ना? लेकिन ये भी क्यों जैसे जैसे देखने वालों के हिसाब से रहता है ना जैसे आप मान लीजिए अभी मैं ये फ्लावर वाज देख रही हूँ हाँ इसमें सबको ये फ्लावर वाज अच्छी लग रही किस किस को अच्छा लग रहा है हाथ उठाए फ्लावर वाज सुंदर है बहुत अच्छा है काफ़ी लोग नहीं उठा रहे अच्छा नहीं है कलर अच्छा नहीं है अच्छा है है ना लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है मुझे पसंद नहीं आया हाँ क्योंकि वो थोड़ा पिंक है बहुत वो पिंक अच्छा नहीं है थोड़ा और कलर होगा हो सकता है ना अब ऐसा नहीं कि बस आपको खुश करने के लिए आप सबको पसंद आया आप सबको बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं भी बोल दूँ कि मुझे भी बहुत अच्छी लगी बोलूँ अगर मैं बोलूँगी तो आप खुश हो जाओगे हाँ मैं अगर बोलूँगी हाँ हाँ हा, आपने जो बोला वो सही बात है ठीक है बहुत अच्छा है तो आप खुश हो जाओगे नहीं होगे होंगे फोर्सली होंगे क्या मैं आपकी जो आपको जो पसंद आया वो चीज मुझे भी पसंद आई ये मैं कहूंगी तो आप फोर्सली खुश हो गए अच्छा लगेगा अगर मैं मना करूंगी तब फिर हो सकता है है ना क्योंकि आपकी जो पसंद है मेरा पसंद है सेम सेम है खुश हो जाते कभी कब, -कब ऐसा होता है ना लाइफ में क्या होता है एडजस्ट करना है बहनों को माताओं को पहले से ही हमको फीड करके रखते जो भी है एडजस्ट हो जाओ एडजस्ट कर लो उनको जो पसंद आए बस तुमको भी वही पसंद आनी चाहिए तुमको भी वही पसंद ऐसा बोलना चाहिए सिखाते कि नहीं घर में माँ बाप सिखाते कि नहीं लेकिन असल में हमको पसंद नहीं आता है असल में वो पसंद नहीं आता फिर हम सोचते ठीक है धीरे धीरे हम बता देंगे धीरे धीरे हम समझा देंगे लेकिन वो ऐसा कभी कभी नहीं होता है तो लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स आ जाते है, है ना पहले से अगर बोल दिया हो पहले से अगर बता दिया होता तो फिर आगे चल करके प्रॉब्लम्स नहीं आते देखने का एक का नजरिया अलग अलग होता है जरूरी नहीं आपको जो चीज़ पसंद है वो चीज़ मुझे भी पसंद हो हो सकते हैं ना डिपेंड डिपेंड करता है वो उसके ऊपर और ऐसे कोई भी चीज हम कुछ भी किसी के लिए हम करते उसमें भावना का बहुत योगदान होता है किस भाव से किस भावना से आप बनाए उसका बहुत बहुत योगदान होता है फॉर एग्जाम्पल आप बुरा नहीं मानना बस मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बता रही हूँ कभी कभी ऐसे होता है ना बच्चा अगर कोई हॉस्टल में पढ़ता हो या बहुत दूर से आने वाला हो आपके घर में और सडनली आप उसी दिन बहुत काम कर कर करके इतना काम किया आप दिन भर काम करके बहुत थके हुए लेटस से अगर उसी टाइम पे आपका बेटा फोन करता है मम्मी आज मुझे छुट्टी मिली मैं अभी आ रहा हूँ घर क्या बोलेंगे आप अरे आज सारा दिन में थक गए क्यों आ रहा है नहीं आओ बोलेंगे क्या बोलेंगे हुँ? नहीं बोलेंगे ना इतना खुश हो जाते हैं अच्छा कब आओगे कितने बजे आओगे फिर कैलकुलेशन शुरू हो जाता है उसको क्या क्या चीज़ पसंद है क्या बनाना है या अगर घर का माहौल ठीक नहीं है उसको जैसा कमरा पसंद है बस वो ठीक ठाक करने में लगे रहते आप भी लगे रहते घर में घर पूरा सिर पे उठा लेते हैं, है ना? क्योंकि बहुत दिन के बाद आ रहा और बहुत पढ़ाई करके बहुत मेहनत करके आ रहा और इतने सारे डिस्ट्रेस बना देते हैं आपको मेहनत का एहसास भी नहीं होता आपने क्या किया क्या नहीं किया कुछ सुदबुद नहीं रहता है कि नहीं प्रैक्टिकल चीज़ अगर यही चीज़ सेम सिचुएशन यही है लेकिन अभी इस पर कौन आने वाला है बहुत थके हुए हो बहुत मेहनत की बहुत थके हुए हो लेकिन सिचुएशन अलग है अभी आपका बेटा कोई आपके पसंद वाले या कोई आपके फ्रेंड दोस्त कोई नहीं आ रहे अभी कोई दूर 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 के कोई रिश्तेदार आ रहे उनका अगर फोन आया आपको ऑप्शन नहीं है उनको मना करने का ऑप्शन नहीं है वो तो पहुंच ही गए समझो ऑलमोस्ट आ गए समझो आपके पास तो आपको बनाना है करना तो पड़ेगा ना मेहमान नवाजी तो करना पड़ेगा तब आप क्या सोचते हो कैसे बनाते हो हाँ तब भी इतना एंतोज से अरे अरे रहे अतिथि देवो भवा बोलते हैं अच्छा अतिथि आ रहे चलो मुझे ये है, वो करना है, मैं ये करूं। करोगे अरे करोगे ना क्यों नहीं करोगे खाना तो खिलाओगे ना <laughs> हाँ? फ्रस्टेशन रहता क्या सोचते हो चलो आज ही आना था इनको हाँ? यही टाइम मिला था हाँ? आज के दिन ही मिला था भगवान ऐसा क्यों करते हो है ना बोलते कि नहीं अंदर से आता कि नहीं आता तो सेम सिचुएशन है लेकिन तब हमको खुशी मिलती है कोई भी चीज़ करते हम बहुत खुश होते हैं है ना और इस चीज़ में भले हम फोटोसम लगा करके उनके सामने जाते भी है परोसते भी है सब कुछ करते हैं लेकिन अंदर से वो नहीं होती है कारण भावना का डिफरेंस है ना जो अपना समझते तो अपने में बहुत खुश मेहनत का हमको पता ही नहीं चलता जिसको हम पराये समझते तो फिर हुँ? आप सोचो ऐसे लाइफ में ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं ये तो हम थोड़ा बहुत नोटिस करा रहे लेकिन बहुत सारी चीजें सुबह से उठने से पहले रात में सोए जब तक आप ऐसी कौन सी कौन सी चीजों से डिस्टर्ब होते रहते हो कौन सी कौन सी चीजों से आप अपनी खुशी को गवाते रहते हो एक बार सोचो आप लिस्ट निकालिए कितना लिस्ट आएगा खुश होने का लिस्ट ज्यादा आएगा ना खुश होने का लिस्ट ज़्यादा आएगा अनहैपी का ही ज़्यादा होगा ना सोचो आप मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं क्योंकि संकोच में पड़ गए क्या बोल रही है बहन जी क्या पूछ रहे हमको हाँ अभी तक तो हम बहुत खुश थे अभी सोचने में मजबूर कर दिया है, ऐसे है अब खुश है नहीं हा? ये टेंशन में आ गए क्या बता रहे हमको हम खुश नहीं है क्या है आप नहीं ऐसा नहीं और हम ये चाहते भी नहीं कि आप खुश ना हो हम तो यही चाहते हमारी कोशिश ही यही है कि आप हमेशा खुश रहो और दिल से खुश रहो है ना क्योंकि दिल से खुश जो रहते हैं ना वो हमेशा हेल्दी रहता है आजकल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्यों इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों आते जा रहे ऐसे नहीं कि कोई जिम नहीं जा रहे कोई अपना सेहत का ध्यान नहीं रख रहे सब कुछ करते हैं फिर भी कोई न कोई बीमारी के वश हो जाते क्यों कारण क्या है क्योंकि खुशी जो रहनी चाहिए जैसी रहनी चाहिए वो नहीं रहता है कारण सोचे क्योंकि जितना कारण सोचोगे ना उतना आपको निवारण हाँ हो सकता है लाइफ में हम जो चाहते हैं वो सब कुछ नहीं मिलता है।, है ना अभी मैं भी कारण बहुत सारा कुछ बता सकती हूँ मेरे ना खुश होने के ये कारण वो कारण वो कारण फिर अपने आप को देखो प्रायोरिटी एबिलिटी वो भी तो देखने न? है ना है ना मन में संकल्प आता है लेकिन फिर सोचो अब ये कर सकते नहीं कर सकते क्योंकि किसी ने कहा कि कोई हमारा नहीं सुनते तो हमारी खुशी गायब हो जाती आपकी सोच है ना वो सुनना है ये आपकी सोच है लेकिन उनकी क्या सोच है क्योंकि हर कोई इंडिविजुअल पर्सनालिटी है इज इट नॉट सबको हर एक का अपना अपना है और हम सब ये भी बिलीव करते कि हम सब पिछले जन्म के संस्कारों को लेकर के आते संस्कार समझते ना हैबिट्स तो पास्ट बर्थ के क्या हैबिट है पास्ट बर्थ के क्या संस्कार है क्या पता चलो आज आपके बच्चे के रूप में उन्होंने जो जन्म लिया है आपके बच्ची के रूप में जन्म लिया या आपके पति के उस रूप में आपके पास आए सास के रूप में आए बहू के रूप में कोई भी हो लेकिन संस्कार तो अपने साथ लाए होंगे ना है ना मैच करने में टाइम लगता है टाइम लगता है ना तो मैच करना या तो डिस्कस करना नहीं तो उसका हाल निकालना लेकिन अपनी खुशी को कभी नहीं गंवाना क्योंकि इंसान को कुछ मिले ना मिले कोई बात नहीं नहीं ना आंतरेंगी खुशी होगी ना तो कुछ भी कर सकता है कैसे भी सिचुएशन को डील कर सकता है प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारी दादिया है मैं रिसेंटली अभी 11 तारीख को हमारी जो गुलजार दादी जी है जो हमारे यहाँ के जो बहुत वरिष्ठ दादी जी हैं तो उनका भी लाइफ के एग्जाम्पल एक एक आपसे शेयर करना चाहती हूँ माना इंसान को कितना हम माना हर परिस्थिति में हमें खुश रहना है कभी कभी ऐसा होता है ना कोई चीज हम जो चाहते हैं हर जगह पर हर चीज सिस्टमेटिकली हम जो चाहते जैसा चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता है कभी कभी कुछ मिल भी नहीं सकता लेकिन उसमें भी हमें अपने आप को खुश करने की सोच चलानी चाहिए तो एक बार की बात है दादी जी को कोई सेंटर में बुलाया गया शायद वो सेंटर बहुत छोटा है अभी हमारे जैसा सब इतना बड़ा बड़ा नहीं रहता ना कोई कोई गांव में कोई सेंटर है तो उनके पास मिनिमम फैसिलिटीज़ भी नहीं है दे नहीं पाते लेकिन फिर भी दादियों को तो वो नहीं रहता ना हमारे दादियों को तो ऐसा नहीं रहता किसी के पास बेड है तो जाए किसी के पास टेबल है तो जाए वैसा नहीं सोचते हैं दादियाँ तो बेहद की सोचती है तो एक बार की बात है कोई सेंटर में दादी को बुलाया दादी जी गए फिर वहाँ पर खाने के लिए टेबल नहीं माना भोजन करने के लिए टेबल नहीं तो दादी के दादी जी के साथ जो बहन थी नीलू दीदी तो थोड़ा हेजिटेट कर रही थी कि अरे क्या है दादी के लिए एक टेबल भी नहीं है क्योंकि इतने बड़े महान हस्ती है इतने बड़े हैं हमारे पास आए लेकिन दादी बहुत सरल तरीके से बहुत शांत चित दादी थी बहुत कम बात करती थी दादी लेकिन बहुत कंटेंटफुल रहती थी तो दादी बहुत शांति से देख रही थी फिर बोला कि अरे टेबल तो है ना फिर वो दीदी परेशान टेबल कहाँ है कहीं पर भी मेरे को नज़र नहीं आ रही टेबल कहाँ है दादी कहा कि जो अटैची लाए ना हम वो इधर रखो अभी दो जने तो दो अटैची होंगी अटैची समझते ना सूट केस जो सूट केस लाए ना वो एक रखो बोले रखा है फिर बोला और दूसरा भी इसके ऊपर रखो और दूसरा भी रख लिए थोड़ा हाइट आएगा ना फिर उसके ऊपर अपने आप नैपकिन डाला फिर बोले कभी देखो बन गए टेबल आ गए ना टेबल है ना तो सिचुएशन हमारे जैसा नहीं हो सकते कभी कभी लेकिन हमें उसको क्या करना अपनी तरफ करना भी आना चाहिए तो खुश है ना है हाँ? क्योंकि हमेशा हम ये सोचते ये नहीं है वो नहीं है वो चाहिए वो चाहिए ये कहते हैं ना चाहिए चाहिए कि चाहना कभी बंद नहीं होता हाँ? वो कहते हैं ना एक प्रोवर्भ करते आज चूहा गया फिर कल बिल्ली आएगी कल बिल्ली जाएगी फिर कुत्ता आएगा है ना बना इंसान की जो सोच है चाहना आज ये चला गया वो चला गया है हाँ? सोच के बारे में तो बहुत अच्छी एक स्टोरी याद आती है शायद आप सभी से किसी ने शेयर भी किया हुआ होगा एक बार की बात है कि एक आ, दोनों पड़ोस लोग रहते थे तो आड़ोस पड़ोस रहते ना ऐसे तो वो पता नहीं ड्रामा अनुसार क्या है कि दोनों को बराबरी से सब कुछ मिलता है जैसे मान लो ये भाई को आ, एक कार है दूसरे जो घर वाला है उनको भी कार है इनको दो बच्चे उनको दो बच्चे इनको एक बंगला उनको एक बंगला ऐसे सेम सेम रहता था हुँ? जानते हैं सभी अच्छा तो सेम सेम बंगला था तो इसमें जो फर्स्ट वाला था उनको हमेशा रहता है कि वो सामने वाले से बाजू वाले से मैं थोड़ा एक कदम आगे रहूं हमेशा समझता है कि मैं इनसे थोड़ा सुपीरियर रहूं बहुत कोशिश करता है पता नहीं ये दूसरा कार लेता है पता नहीं उनको भी एक कार आ जाता है क्या करे क्या करे फिर लास्ट में बहुत तपस्या करके तपस्या करके फिर भगवान को प्रत्यक्ष करता है भगवान सामने प्रकट हो जाता है तो बहुत खुश हो जाते अरे भगवान मेरी प्रार्थना सुन के सामने प्रकटित हो गया और ये कुछ पूछने लगता उसके पहले भगवान कहता है कि चलो रुको एक मिनट मेरा एक कंडीशन है क्या कंडीशन है तुम कुछ भी मांगोगे उससे जो डबल तुम्हारे बाजू वाले को मिलेगा समझ रहे कुछ भी मांगो चाहे आप एक कार मांग लिया समझो अब बाजू वाले को दो चला जाएगा अब इनकी प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम तो वही था ना उनसे थोड़ा आगे बढ़ने का ही प्रॉब्लम था और भगवान ने भी ट्विस्ट डाल दी अब क्या पूछू क्या पूछू क्या मांगू क्या मांगेगा कुछ नहीं क्योंकि उनको कुछ नहीं मिलना चाहिए हा? ये भी बहुत अच्छी सोचे कुछ ना मांगे लेकिन उन्होंने क्या सोचा पता है भगवान से बोला भगवान तो मेरी एक आंख निकाल दो हा? एक आंख निकाल दो आंख निकाल दिया तो बाजू वाले का दो आंखें निकालनी पड़ेगी तो आजकल ऐसे सिचुएशन इस है ना ऐसे है बहुत सारे है क्रिटिसाइज करने वाले बहुत है आगे जाने नहीं देते पीछे हमको खींचते रहते हैं लेकिन फिर भी है ना हमें अपने आप को कभी भी कम नहीं समझना है आगे बढ़ते जाना बढ़ते जाना आजकल ऐसा है है ना लेकिन ऐसे इन्वर में इन्वरॉनमेंट में रह, रह करके भी आप आगे बढ़ोगे ना तभी फिर आपकी जीत है है ना मन कोई भी परिस्थिति ऐसा नहीं कि आपको सब अच्छे से सब कुछ ठीक ठाक हो आपको सब कुछ बनी बनाए मिल जाता है ऐसा है क्या सब कुछ मिल जाता है सब सेटल है सब कुछ ठीक ठीक आपको मिल जाता है तो कोई क्या कहेंगे हाँ आपको क्या है आपको पहले से सब कुछ मिला हुआ है वो भी बोलते है, है ना? इसलिए हम बातों में नहीं जाना है और ना किसी से कंपेयर नहीं करना है क्योंकि मेनली क्या होता है ना अपनी खुशी गायब करने का ये चीज होते एक तो क्या है चाहना है इच्छा है ये चाहिए वो चाहिए ये है लेकिन फिर भी चाहिए हा? कोई कोई कहते हैं ना हमको कोई इच्छा नहीं सब कुछ मिल गया है लेकिन वो जो बहन ने जो पहना है ना वो जो उनके पास है ना, वो बहुत अच्छा है अब इच्छा नहीं है तो अच्छा है बुरा है क्यों जा रहे, हैं मन में कोई कामना नहीं है अच्छा है बुरा है इस चीज में क्यों जा रहे इसका मतलब क्या है अच्छा लग रहा है इसका मतलब इच्छा है है ना इसलिए कोई भी चीज में हमको खुशी नहीं मिलती है कारण ढूंढो ना कि ब्लेमिंग करो किसी को तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण बहुत सिंपल है बहुत इजी है किसी के ऊपर ब्लेम डाल दे या? बच्चा नहीं सुनता है इसलिए हमको बहुत टेंशन है पति नहीं सुनता इसलिए बहुत टेंशन है आ? या पति भी सोचता है मेरी पत्नी नहीं सुन सुनती है समझती नहीं है इसलिए मुझे बहुत टेंशन है हुँ? तो समझते नहीं है तो आप समझाने की कोशिश तो करो समझाओ कभी हम्म कभी कोशिश करते नहीं वो भी कोशिश कैसे करते अपना टोन देखना है अपना टोन देखना है कैसे करते हाँ क्यों नहीं सुनती क्यों नहीं सुन सुनना ही पड़ेगा करना ही पड़ेगा है कि नहीं तो वो हमें थोड़ा चेंज करना है और अपनी और कभी भी किसी से कुछ मांगना क्यों है ना दाता के हम बच्चे हैं हम सब हमारे पास बहुत कुछ है बहुत खूबियों से भगवान ने हमको भरपूर करके भेजा है आपको कोई भी चीज़ की कमी नहीं है है ना आप देखो अपने आप को देखो आपके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं कोई चीज की कमी नहीं है खाली बस हमें उसे रियलाइज करना है रिकॉग्नाइज करना है और उसको यूज करो है ना जितना आप यूज करोगे उतना वो बढ़ता जाएगा देखो किसी से आप चार अच्छी बातें करेंगे या कोई बहुत है ना लो फील करता है उनके पास आप जा कर के आप कुछ अच्छी बातें करके उनको खुश कर दो और तो लाइफ लॉन्ग आपको कभी नहीं भूल सकता है और उनसे जो आपको आशीर्वाद मिलते हैं पॉजिटिव एनर्जी मिलती है है ना उनसे जो पॉजिटिविटी आपको मिलती है वो कहीं पे भी नहीं मिलता है कितना भी आप कुछ करो कुछ भी करेंगे लाइफ में और ये सब हम कहते हैं यहाँ पर ब्लेसिंग्स जो मिलते हैं ये हमको आगे बढ़ने का कारण बनता है गुड कार्मिक अकाउंट्स बनाने वाला कौन और उसके लिए सबसे पहले अपनी सोच को बदलना है क्योंकि देखो महिलाओं का भगवान ने भी बहुत अग्रस्थान दिया है और सभी ने भी दिया है और महिलाओं का मेनली मोस्टली फैमिली के हिसाब से हमारा बहुत बड़ा योगदान है चाहे तो आप घर को स्वर्ग भी बना सकते हैं चाहे तो आप घर को नर्क भी बना सकते है कि नहीं ये आपके हाथ में है किसका घर स्वर्ग जैसा है किसका घर नर्क जैसा है वो आपके हाथ में डिपेंडेड है आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हैं है हाँ, भले भाइयों का भी चलता हो भाइयों का भी होता है लेकिन उनको भी चलाने वाले आप हो हाँ, क्योंकि क्योंकि क्या होता है ना लॉजिक आपके हाथ में है भोजन आप बनाते हो ना भाई लोग बनाते आप ही बनाते हो है ना कोई भी चीज आप ही करते हो तो जो जिस भावना से भोजन बनाता है जिस भावना से सब कुछ करते हैं उनका फल मिलता है और यहां पर तो आप सब जानते हैं जैसा वैसा मन हम तो कहते हैं प्यार से बनाओ बहुत खुशी से बहुत हुज्जत से हुजत माना बहुत दिल से बनाओ जो भी करते दिल से करो आप चार पांच डिशेस बनाए चिड़चिड़ करके करना ही पड़ता है क्या करें करना ही है उससे बेटर एक तो ही बनाओ है ना और वो खा करके इंसान खुश हो जाता है क्योंकि आप उसमें अपना एफर्ट डाला है प्यार भरा है है ना लोग ये नहीं सोचे चार पांच है या पेट भरा हुआ है ये सोचते हैं तो जो काम आप करते हो दिल से करो हम कर रहे हैं नहीं किस भावना से हम करते हैं वो बहुत मायने रखता है इसलिए आप भी खुश रहो सबको भी खुश रखो हा? क्योंकि आपकी खुशी जैसे हम कहते हैं ना स्माइल स्माइल गोज मेनी माइल्स आपकी जो खुशी के जो वाइब्रेशंस हैं बहुत दूर दूर तक जाते आप सबको शांति सरोवर अच्छा लगता है हु? अच्छा लगता है yes. क्यों अच्छा लगता है पॉजिटिविटी मिलती है कहाँ से आती है पॉजिटिविटी हाँ, पीसफुल है अच्छा ये कौन है पीसफुल क्या नाम है आपका ना कहान अच्छा वेरी नाइस ना पीसफुल है देखो छोटे बच्चे को भी एक्सपीरियंस हो रहे घर में पीसफुल नहीं है हाँ घर में पीसफुल नहीं है घर में पीसफुल नहीं रिस्ट्रिक्शंस है आ, नहीं। इधर मत जाओ वो टच नहीं करो वहाँ नहीं जाओ ये नहीं करो हैं यहाँ तो फ्रीडम है कहीं पे भी घूमो फिरो कुछ भी करो है ना? ओपन ओपन है तो वो जो वाइब्रेशंस जो आप फील करते हो खुशी के पीसफुल के और यहाँ के सभी के चेहरे देखो कभी भी है किसी का चेहरा मुरझा हुआ कोई सीरियस कोई किसी के ऊपर गुस्सा करते हुए दिखा हुँ? कभी आपने देखा किसी को नहीं क्यों क्योंकि हम प्रैक्टिस करते ना जो हम बोलते हैं वो हम प्रैक्टिस करते हैं जो हम करते हैं वो ही हम बोलते हैं और यहां पर जो भी आते हैं वो भी खुशी खुशी आते हैं इसलिए वो खुशी के जो माहौल है, है ना वो वाइब्रेशन हर तरफ है तो सेम ऐसे आप भी अपने घर में खुश रहोगे खुशी के माहौल बनाओगे तो आपके घर में अगर कोई आएंगे ना बाहर से वो भी बहुत खुश हो जाएंगे अरे कितना अच्छा जगह पर आ गए हम है ना आपके घर घर को हमें क्या करना मंदिर जैसा बनाना है मंदिर में कौन रहते हैं? मंदिर जाते ना मंदिर में किसको देखने जाते <coughs> देवियों को मूर्तियों को देखने जाते हैं और मूर्ति का चेहरा कैसा है? ऑलवेज स्माइलिंग या कभी गंभीर कभी गुस्से वाला हा? आपको कभी गुस्सा आता है या हमेशा आता है अच्छा कभी इस बार ना गुस्सा आएगा ना आप ए, एक काम करना कभी आपको गुस्सा आता है ना उसी सेम गुस्से के साथ आप जाकर के अपने आईने में देखना आपका चेहरा अच्छा ट्राई करना हुँ? या आपको विजुअलाइजेशन में आगे होगा आपका चेहरा कैसा दिखता है गुस्सा आता था था है तो आपका चेहरा देखो या कभी आप बहुत खुश होते हो तब जा करके देखो आप कैसा रहेगा आपका चेहरा कौन सा अच्छा रहेगा हम्म खुशी वाला है ना तो जो अच्छा है उसी को हमें फॉलो करना है, है ना देवताओं को हम वही देखने जाते हैं ना देवताओं के चेहरे में इतनी प्रसन्नता है इतनी शीतलता है बस वो देखने के लिए जाते अगर आपके घर में आप ही ऐसे रहोगे आपको देखने बहुत आएंगे हाँ मैंने कहा ना स्टोरी में ऐसे लोग भी रहेंगे लेकिन माइंड नहीं करना और उल्टा ये सोचो कि चलो हमारी खुशी की तरफदारी कर रहे हैं लोग है ना पॉजिटिव ऑलवेज थिंक पॉजिटिव ऐसे होते हैं ना कभी कभी किसी ने हमें कहा कि कोई कोई क्रिटिसाइज करते ना आप बहुत ये करते वो करते आपकी महिमा होती ये वो होती वो होती बहुत थोड़ा नीचे गिराने की कोशिश करते तो आप ये सोचो चलो मेरे अंदर इतनी काबिलियत है इस वजह से मुझे याद कर रहे पॉजिटिव सोचो क्योंकि पॉजिटिव सोचने से इंसान आगे बढ़ता है अगर नेगेटिव सोचोगे तो फिर पीछे ही जाएंगे हमें आगे बढ़ना है पीछे जाना है आगे बढ़ना है और जिस चीज़ की हमें इम्पोर्टेंस है जिस चीज़ को हमें इम्पोर्टेंस देनी चाहिए लाइफ में उसको देना भी ज़रूरी है जैसे आज के दिन हुँ? आप सभी ने सोचा चलो जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो शायद आया होगा टॉपिक के हिसाब से आज वुमेन्स डे होगा वुमेन्स का है हम क्यों जाए फिर सोचा कुछ तो अच्छी बातें तो बोलते होंगे अब वंडर है देखो आज ज़्यादा से ज़्यादा माता ही नहीं है आज भाई लोग ज़्यादा है हुँ? तो भाइयों के लिए ताली तो बजे सकते थैंक यू क्योंकि उनके बिना तो आप आ भी नहीं सकते ना है ना दोनों का बराबरी का हिस्सा है इसीलिए हम ब्रह्म कुमार इसमें यह सिखाते कि जैसे आत्मों को देखो बस आत्मा के रूप में ना भाई है ना बहन है ना कोई हिंदू मुस्लिम किसी भी चीज़ का हमें हदों में नहीं जाना है बेहद में जाना है एज एम ए सोल आई एम पावरफुल आई एम पीसफुल आई एम प्योरिटी प्योर सोल है तो वो जो हमारे अंदर की जो गुण है हमारे जो निजी गुण है उनको हमें क्या करना डेवलप करना है उसके ऊपर फोकस करो ना अब किसके पास क्या आया क्या मिला क्या नहीं है इन सब ये सब तो टेम्पररी है ना परमानेंट जो चीज है उसके ऊपर आप फोकस करो जितना परमानेंट चीजों पर फोकस करोगे ना बहुत सारी चीजों से आप बच जाओगे यहां पर हमारे पास आ, कोई कोई टीचर्स का ट्रेनिंग होता है ना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जेंट्स ज़्यादा लग रहते हैं कोई कोई आते हैं माताएं भी आते हैं ऐसा नहीं वो लोग जब यहाँ तीन चार दिन क्लास ले के जाते हैं यहाँ रह कर के रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स अटेंड करके जाते हैं है, वो एक बात तो ज़रूर बोलते हम हमेशा ये सोचते कि कितना अच्छा प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम हमारे वाइफ़ को होना चाहिए हाँ वाइफ़ को तो हम ज़रूर लेकर के आएंगे यहाँ पर या यह सेंटर में हम जरूर लेकर के जाएंगे अगर वो सुनेंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा हाँ क्योंकि उनके हाथ में सब कुछ है ना भले बोलने के लिए दिखाने के लिए भाई है लेकिन चलाने वाले तो सब कुछ माताएं हैं माताओं के हाथ में सब डोर बंधे हुए हैं इसलिए आप खुश रहोगे उनको खुश रहो रखोगे और ये भी भाइयों को भी हम ये कहेंगे कि आपको भी कभी कभी अप्रिशिएशन तो करना ही पड़ेगा ना ऐसा नहीं ठीक है आज बहन जी ने कहा ना कोई कोई सोचते होंगे चलो तुम हमेशा यही हमको कंप्लेंट करती रहे तो मैंने कुछ किया नहीं कुछ बोला नहीं अभी दीदी ने बोल दिया ना मैं कुछ बोलूँ ना बोलो तुम खुश रहो ऐसा भी नहीं है ना थोड़ा बहुत क्या जाता है आपका इतना मेहनत करके बनाए कुछ खिलाए हाँ बहुत अच्छा बोलने में क्या जाता है बोल सकते ना बोलते नहीं बोलते हुँ? अगर जिसको आदत नहीं है बोलने का आज से कर लेना हाँ बोल दीजिए क्योंकि हर कोई अभी छोटा बच्चा है उसको भी आप बोलोगे कितना अच्छा पढ़ाई पढ़ रहे हो बहुत अच्छा हैंड राइटिंग है बस उसको खुशी होती है और फिर आगे करने का उनको मन करता है नहीं तो सोचेंगे चलो ठीक है और एक्स्ट्रा जो मिलते हैं ना उसमें बहुत खुशी होती है देखो माताएं सब्जी खरीदते हैं सब्जी वाले घर में आते ना कभी कभी ऐसे सब्जी बंडी लेकर के आते हैं सब्जी खरीदते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती आप बार्गनिंग करते ना वो दस रुपए बोलता है आप बोलते हैं नहीं नहीं आठ रुपए में दो पाँच रुपए में दो हम्म बार्गनिंग करते हो ठीक है पाँच रुपए में मान लिया वो दे दिया हाँ लेकिन अगर मान लीजिए मान लीजिए वो पाँच रुपये में दे दिया फिर ऊपर से एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत ऐसा डालते हैं ना चलो बेन जी ये ले लो तब देखो आपके चेहरे का मुस्कान कम किया पाँच रुपए कम किया लेकिन तब उतनी खुशी नहीं मिलती जो एक्स्ट्रा जो डालते ना एक चीज़ एक्स्ट्रा भी देता है ना अब बहुत खुश हो जाते और ये सोच ले कि हमेशा इसी के पास मुझे खरीदना है हा? इसी से मुझे सब्जी लेना है सोचते नहीं सोचते है ना तो लाइफ में भी हमको एक्स्ट्रा में खुशी मिलती है थोड़ा बहुत मिलती है तो ये सब चीज़ें हम जो करना है आप बोलोगे नहीं बोलोगे तो भी तो तो करेंगे लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा थोड़ा दो दो दे दोगे तो कितना अच्छा रहेगा है ना समझ रहे हैं ना मेरी बात तो थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मैंने कुछ करना नहीं है बस मुँह से बोलना बस बहुत अच्छा है और ये भी नहीं कि झूठी तारीफ मत करो कि वो बहुत खराब बना है तो भी बोलो कि बहुत अच्छा बना है वो भी नहीं जो है बस वो ही एक्सेप्ट करो है लेकिन करो ऐसे एक दूसरे को हम आगे बढ़ाना है है ना क्योंकि हैप्पी फैमिली फैमिली का बहुत नेशन से भी कनेक्टेड है ना अगर फैमिली हैप्पी रहेगी तो हमारा समाज हैप्पी होगा फिर देश फिर सारी दुनिया और हमारा मोटिव तो यही है कि घर घर को स्वर्ग बनाना है और हर इंसान को खुशहाल देखना है क्योंकि जो आने वाली दुनिया हम जो कहते हैं वहाँ पर कोई गम नहीं वह सब बेगमपुर के बादशाह है वह सब खुश और वो यहाँ से प्रैक्टिस करना है ना कोई भी चीज़ वहाँ जाकर कभी घर बन गया बन रहे हैं ना बन रहा हो तो फिर आपको जो चीज जहाँ चाहिए वहां पर आप लगा सकते हो बनने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते तोड़ फोड़ करोगे तो फिर आर्ट दिखेंगे अभी तो आपके लाइफ आपके हाथ में है आप जैसा बनाना चाहते हो जैसा करना चाहते हो फैमिली को आप किस दिशा में चलाना चाहते हो ये आप लोगों के हाथ में है अभी भी कुछ हुआ नहीं है क्या है कुछ नहीं कर सकते हो गया अभी फिक्स है हम कुछ चेंज नहीं कर सकते ऐसा है क्या किसी का आप चाहे तो कर सकते ना कर सकते नहीं हाँ या ना हाँ सुना ही नहीं दे रहा है बहुत डीप चिंतन में चले गए शायद सभी हैं इतना भी सीरियस मत हो जाओ क्योंकि हमारा क्लास खुशी का है आपके चेहरे में खुशी नहीं है तो फिर मुझे बहनें पूछेंगे बहन जी आपने क्या कर दिया ये लोग खुश होने से बहुत गंभीर हो गए है ना खुश रहना क्योंकि जितना आप खुश रहोगे सबको वो वाइब्रेशंस मिल जाएंगे वाइब्स मिल जाएंगे ऐसा नहीं खुश रहना कि ऐसा मतलब नहीं कि बस ऊपर से हम हंसते रहो लेकिन बस अंदर से आप अपने काम से सेटिस्फाइड रहो हैप्पी रहो तो फिर बस वही फिर सबको भी मिल सकता है हुँ? हेल्थ भी अच्छा रहता है है ना हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस है आजकल हेल्थ है वेल्थ नहीं है किसी के पास वेल्थ है हेल्थ नहीं है इसलिए हैप्पीनेस नहीं इसलिए हेल्थ भी अच्छा रखो और वेल्थ भी वेल्थ के लिए भी पुरुषार्थ करो हैप्पी रहो ठीक है इज इट क्लियर किसी को कुछ पूछने ऐसा आप खुश हो हाँ? आप खुश हो सुनाई नहीं दे रहे हुँ? आप खुशी भी फिर अंदर से बाहर नहीं आ रहे आपका हाँ? खुश हो कि नहीं कौन कौन खुशी है हाथ उठाए अच्छा तो हमेशा से अभी देखो फोटो निकाल रहे है आप सबका हैं फिर कभी आप ऐसा मुँह लटका करके आओगे बहन जी ये हो गया बहन जी हो गया आपको ये फोटो दिखाएंगे दिखाना चाहिए हु? आपने हाँ बोला ना हाथ उठाए ना सभी हैं तो ये याद रख लेना आज के दिन हमने हाँ बोला खुश है हाथ उठाए तो बस यही चेहरा आपको माइंड में फिक्स कर लेना है सदा खुश रहो और खुशी को बांटते जाओ ओके सो वन सेकेंड हैप्पी वुमेन्स डे हैं आप सभी के लिए वुमेन के अंदर मैन भी है इसलिए दोनों को हैप्पी रहने का है है ना चलो हम एक दस मिनट मेडिटेशन करेंगे किसी को कुछ पूछना है नहीं ओके okay? हाँ? ठीक है अपनी मन बुद्धि को प्रकृति के बीच चमकता हुआ अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति पॉइंट ऑफ लाइट इनर पीक आत्मा के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए ब्रुकुटी के बीच चैतन्य शक्ति को महसूस कीजिए विचार कीजिए मैं आत्मा शक्तिशाली आनंद स्वरूप शांत स्वरूप मैं आत्मा अपने अंदर की पवित्रता की शक्ति को प्योर वाइब्रेशंस को अपनी चारों तरफ महसूस कर रही हूँ आप अपने आप को शांति पवित्रता के प्योर वाइब्रेशंस के कार्ब के बीच में महसूस कीजिए श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर बैठकर मन में संकल्प कीजिए मैं आत्मा अपनी खुशी से सभी को खुश करने वाली सदा कोई भी परिस्थिति आए कोई भी बात हो जो होता कल्याणकारी होता है, हर बात में कल्याण है इस बात को ध्यान में रखते हुए सदा अपनी खुशी की खुशबू को सर्वात्मों को बांटने वाली खुश नसीब आत्मा मैं आनंदमय आत्मा अपनी खुशी की विशेषता को सदा कायम रखने वाली अपनी जीवन को अपने परिवार को खुशहाल परिवार बनाने वाली शक्तिशाली आत्मा अपनी अंदर की ताकत को जागृत कीजिए अपनी पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाइए Thank you, sister, for such a blissful meditation and such a happy talk. Let's have a round of applause for sister.